एम्स ऋषिकेश के जनसंपर्क अधिकारी और उनके परिवार को सोशल मीडिया पर एक युवक ने जान से मारने की धमकी दी है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर संदीप शर्मा नाम के युवक ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए एम्स ऋषिकेश के पीआरओ और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दे डाली। इस मामले में पीआरओ हरीश मोहन थपलियाल ने जानकारी पुलिस को देते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले में जाँच शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरी ओर काशीपुर में पुलिस की बाइक जलाने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कच्ची शराब बनाने वाले तस्करों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की थी। इस बीच आरोपियों ने पुलिस की बाइक ही जला डाली। जानकारी के अनुसार गढ़ी नेगी चौकी प्रभारी एसआई होशियार सिंह ने तहरीर में बताया कि शुक्रवार को केसरी गणेशपुर के जंगल में कच्ची शराब बनाने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर छापा मारा, जहां आरोपी कच्ची शराब बना रहे थे। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध भट्टी को तोड़ते हुए मौके से उपकरण जब्त कर लिए। पुलिस की टीम जैसे ही वहां से लौटने लगी तो उन्होंने देखा कि कांस्टेबल नरेंद्र लौटेला और कैलाश काला की बाइक को आरोपियों ने आग के हवाले कर दिया और अब ऐसे में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपियों की पहचान केसरी गणेशपुर निवासी बलविंदर सिंह, सुखदेव सिंह, गुरचरण सिंह और हरिओम के रूप में की गई है।